कोई शिकायत, ना कोई उल्हाना, ना कोई अर्जी, ये भक्ति का लक्षण है। तो सुदामा जी भी भगवान कैसे भक्त थे, फटी सी धोती, फटा सा कपड़ा, खाने को भोजन नहीं, पर मस्त थे, जीवन में आनंद में थे। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी द्वारिकाधीश से मिलने चले जाइए ना, मांगना मत कुछ भी, दर्शन तो कर ही आइए, इतने दिन हो गए अपने यार से मिले हुए। अब जब मिलने की बात आई तो सुदामा जी को लगा, हाँ अब तो जाना चाहिए। सुशीला क्या कुछ है ले जाने के लिए? तो सुशीला ने एक चावल की पोटली, चावल लिए, पोटली में बांधे, सुदामा ने कांख में दबाए और चल पड़ा एक भक्त भगवान से मिलने। कृष्ण कृष्ण गाते 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 जाते प्रभु की कृपा से रास्ते में बहुत रुकावटें आई, पर पार करते सुदामा द्वारिका पहुंच गए। द्वारिका, अब ये बेचारे इतने भोले द्वारिका पहुंच के लोगों से पूछ रहे, भैया ये द्वारिकापुरी कहाँ है, द्वारिकापुरी क्या छे? सुदामा जी तो गुजराती थे ना, तो ये द्वारिकापुरी क्या छे? तो बोले, प्रभु आप ये जहाँ खड़े हो ना, यही द्वारिका है, यही खड़े होके, यही द्वारिका में खड़े होके पूछ रहे द्वारिका कहाँ है। अच्छा ये बताओ मिलना किससे? बोले कन्हैया ते मिलनो है, कन्हैया। अब थोड़ा सा सुदामा जी अब ब्रजभाषा में आ गए, बोले कन्हैया ते मिलनो है। तो बोले कौन कन्हैया? कछु कुछ एड्रेस है, कौन सा सेक्टर है, कौन सा हाउस नंबर है, कौन सा मोहल्ला है? तो बोले नहीं नहीं, हमको तो बस इतना ही पतो, वाको नाम कन्हैया है। अरे भैया कन्हैया तो कितने हो सकते, तुमको किस कन्हैया से मिलना है? बोले हमने सुनो है कि वाते कृष्णचंद्र कहवे हैं, कछु पढ़े लिखे जो लोग हैं हमारे कन्हैया ते कृष्णचंद्र कहे हैं। जैसे राहगीर ने सुना आंख फाड़ के देखने लगा, बोले कौन कृष्णचंद्र? तुम क्या हमारे राजाधिराज महाराज 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र की बात कर रहे हो? बोला भैया ये जो तूने आगे पीछे लगाए ना, ये तो हमारी बुद्धि में कुछ बैठा नहीं, बस कृष्णचंद्र समझ में आया, उसी कृष्णचंद्र से मिलना, पता बता दो। अच्छा भैया देखो, अब हम कह तो नहीं सकते कि वो तुम्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर अब पूछ रहे हो तो रास्ता बता देते, यहाँ से जाओ आगे जो सबसे बड़ा शिखर है वही हमारे प्रभु का महल है। सुदामा पहुंचे, द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपालों से कहा भैया सूचना दो, द्वारपाल ने जाके सूचना दी और जैसे प्रभु तक सूचना पहुंची, पहुंचते ही आज द्वारिकाधीश पादुका पहनना भूल गए, पीताम्बर डालना भूल गए, सिंडियों से उतरना भूल गए, मुकुट पहनना भूल गए और दौड़ के छलांग लगा के हे सुदामा हे सुदामा हे सुदामा कहते कहते आए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। पूरी द्वारिका में हड़कंप मच गया, कौन आया है कौन आया है? देखो इस दरबार पर बड़े से बड़ा महाराजा आया, पर उसको भी मिलना हो तो घंटों घंटों भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता, ये कौन है? पूरी सभा में हड़कंप मचा, जरूर कोई विशिष्ट विभूति आई है। प्रभु सुदामा को लेके गए, चरण धोए, यहाँ चरण धो रहे हैं, रुक्मणी जी पंखा जल रही है। अरे कौन कहता है सुदामा गरीब है? लक्ष्मी जिसके सामने खड़ा होके पंखा जल रही हो, उससे बड़ा अमीर इस दुनिया में कौन होगा? कृष्ण धन जो पा लिया था, चरण धोए भगवान ने, फिर आपस में मित्रों की चर्चा हुई, और भैया कैसे हो, सब घर में ठीक ठाक? हाँ लाला सब ठीक है। तो कन्हैया कन्हैया पूछ रहे हैं, भैया तेरो ब्याह होयो के ना होयो? सुदामा थोड़े शर्माते, हाँ भैया ब्याह तो हो गए, ठाकुर जी हमको ना बुलायो तेने? सुदामा बोले तोय बुलावो, कोई हंसी खेल थोड़ी है, तू ठहरो द्वारिका को राजा, अब तो को हम कैसे बुलाएं, इतने तेरे निया तो बड़े इंतजाम चाहिए। ठाकुर जी बोले अच्छो वो सब छोड़, बहाने बाजी, ये बता कभी भाभी ते हमारी चर्चा करी तेने? कभी भाभी ते हमारी चर्चा करी? तो बोले वही ने तो मोकू भेजो है, तेरी भाभी ने कही कि जा कन्हैया ते मिला, कृष्ण ते मिला।
वही ने भेजो है। अच्छो भाभी ने भेजो है तो बता भाभी ने संग में उपहार में क्या भेजा है। अब जैसे उपहार की बारी आई, बोले अरे लाला हम पे का धरे हो तोकू देवे को, तेरो इतनो बड़ो राजपाट हम का देंगे तोकू। बोले भैया इमोशनल बात मत कर, बात मुद्दे की यह है कि हमारे लिए लाया क्या है। सुदामा काक में दबी पोटली को छुपाने लगे, दबाने लगे, पर भक्त वत्सल भगवान ने भक्तवान शाकल्प तरु जान गए कि देना चाहता है पर थोड़ी लज्जा हो रही कैसे दूं, इसलिए तुरंत भगवान ने जाके पोटली से चावल खींच लिया। थोड़ा खाया, फिर थोड़ा खाया तो कुछ प्रसाद रानियों में बांट दिया। सत्यभामा आदि सब रानियों ने मिलकर के उस प्रसाद को ग्रहण किया। अद्भुत स्वागत हुआ है सुदामा जी का। कुछ समय तक सुदामा जी रहे और उसके बाद अपने गांव, यानी सुदामा जी के गांव का नाम वृंदापुर, जो आजकल पोरबंदर के नाम से प्रसिद्ध है, वापस आए। वहां बड़े बड़े सोने के महल, हीरा जवाहरात सब मिल गया, पर भैया भगत के लिए, जो सच्चा वैष्णव है वो इसके लिए नहीं जीता है कि भगवान ने कृपा कर दी और महल बन गए। कुछ लोग को लगता है कि सुदामा की कथा का सार क्या है, बोले सार ये है कि वो मिलने गए, भक्ति करते थे और भगवान ने देखो उसके बदले में बड़े बड़े महल बना दिए। महल मिल जाना ये किसी भक्त के लिए कृपा का विषय नहीं है। सुदामा जी तो महल मिलने पर भी एक छोटी सी झोपड़ी बनाए, उसी में भजन करते थे और भजन करके उसी में भगवत प्राप्ति की। सच्ची कृपा वो है कि जिसका मन भगवान में लग जाए, उनके नाम में लग जाए। तो सुदामा जी पर खूब कृपा हुई।